नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया। आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर। गौर करते हैं आज की खबरों की ओर, जो दिन भर बनी रही सुर्खियां। LTCG टैक्स बढ़ाने का शेयर बाजार पर नहीं दिखा बड़ा असर, मामूली गिरावट के साथ बंद हुआ सेंसेक्स निफ्टी। बजट को ममता बनर्जी ने बताया जन विरोधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोले ये नकली बजट। बजट से गरीबों और नौजवानों के चेहरे पर आएगी चमक, बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा ने की वित्त मंत्री की तारीफ। जमानत आदेश पर रोक केवल असाधारण परिस्थितियों में लगाएं, शीर्ष अदालत ने खारिज किया दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश। पहली नौकरी मिलने पर सीधे खाते में आएंगे 15,000, PF भी सरकार देगी। 2 करोड़ युवाओं के लिए बड़ा ऐलान, मुद्रा योजना को लेकर बजट में बड़ा ऐलान। सरकार ने 10 लाख रुपए की सीमा को बढ़ाया, अब मुद्रा लोन 20 लाख रुपए तक मिल सकेगा। मोदी 3.0 के पहले बजट पर राहुल गांधी का पहला रिएक्शन, बोले ये कुर्सी बजाओ बजट है। सीधा हो सकता है INS ब्रह्मपुत्र, आग लगने से हुए हादसे पर बोले नेवी के वाइस चीफ एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन। बजट में इस बार शहरी क्षेत्रों में आवास के लिए ब्याज में सब्सिडी देने की घोषणा की गई। बजट में हेल्थ केयर सेक्टर को 90,000 करोड़, कैंसर के 3 दवाओं पर कस्टम ड्यूटी माफ। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।